शायद आप फरमानी नाज से आपका ग्रुप अलग हो चुका है, उसके अंदर कोई फाड़ पड़ चुकी है, क्या कारण रहा? क्या उनका अहंकार सफलता के बाद या फिर कुछ और? और जो है मैंने पहले फरमानी को चलाया, फिर वंशिका थी, उसे मैंने गाने में सॉन्ग मिला गुल्ला फोड़ में, वो वायरल हो रही है, और तीसरा नंबर आ रहा है सानी जी का। और मुझे देख सकते हो आप लोग दोस्तों, ये भूरे भाई के चाहने वाले हैं जो रियल में प्यार करते हैं। एक भाई तो गुलाब भी ले आए इनके लिए, ठीक है ना? भूरे के लिए लाए हो या भूरे के लिए? ये लो, ये अल्लाह पाक ने भूरे को बहुत अच्छी चीज से नवाजा है, सभी प्यार करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हर किस्म के लोग है, काले अधिकतर भूरे भाई भी थे, बहुत प्यार मिला पब्लिक का यहाँ पे। और सोचा कि मैंने दो चार वीडियो, आसू भाई थे मेरे साथ में, शहराज भाई थे, सानिया जी थी, तो मेरे दिमाग में आ गई थी, मैं क्यों ना खड़खड़ के स्टेशन पे भी वीडियो बनाई जाए जी। ये देखो ये, और मैं फिर दोबारा एक वीडियो लेने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बहुत ही सुंदर गाना आ रहा है आपके सामने। कौन सा? प्यार से मेरी तरफ मत देखो प्यार हो जाए। हाय क्या मूवी का है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेना लेना भैया, सुनने वाली बात। अरे ये आएगा सिराज आसू बच्चन पे गाना, सिराज आसू बच्चन पे। दूसरी आटा सानिया उधर है, उधर तो ये देखिए हमारे न्यूज वाले भैया भी आ गए हैं। तो ये कौन सा चैनल है भैया? सहारा न्यूज 24। सहारा न्यूज, चलिए आपका भी न्यूज का ऐड हो गया। भाई आप बुला लेना, ये है आसू भाई, वो बोला गुआ जा जल्दी जरा, पार खोद दिया मैंने, बहुत बड़ी मेहनत कर दी। बूढ़ा भाई तो 20 गाने के बाद सांस ले आ, 50 गाने के बाद। ये देखो कौन आए हैं बूढ़ा भाई, ऐसा है हमारे पास आ जाना, फिर निको दिक्कत है, लेकिन स्टार्ट होना भारी हो जाए। जी भैया क्या फोटो खींचोगे? तो जाओ ना, जाओ खींच के आओ दोस्तों, बहुत ही इंजॉय आ रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा स्टेशन है। और क्या सवाल करने वाले हो ये तो बताओ, आज सर के साथ इंटरव्यू क्या होने वाला है? सर के साथ हम स्टेशन पर मिले हैं यार, इन लोगों ने बहुत प्यार से हमारे द्वारा बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या नाम है, और सर ने हमें इज्जत दी और हमें भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। यूट्यूब पर एक मान सम्मान और फेमस फूमस एक अलग चीज है, लेकिन सर के लिए तो मैं तो नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ढंग से बताइए यार, जो कहेंगे सानिया जी कहेंगे सर के बारे में, सानिया जी आ चुकी है, सर के बारे में क्या कहना चाह रही हो? कौन क्या कह रहा है? वो कह रहे कि टिकट ले लो निकलना है वहाँ पर। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज 24। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के अंदर, जिला गाजियाबाद के अंदर खरखड़ी स्टेशन के करीब। यहाँ हमने आकर देखा कि जो क्रिएटर है यूट्यूब के, एक मशहूर नाम है ढोलक, जो भूरा ढोलक के नाम से, पर और दूसरे आसू बच्चन से हम बातचीत कराएंगे, और तीसरी आर्टिस्ट जो हमारे बीच मौजूद है। अच्छा, पूरा भारतवर्ष आपको सुन रहा है, इसलिए अगर कहीं तक आपकी क्रिएट हुई वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, उनको आप किस तरह से प्रेरित करेंगे कि वो भी आपकी वीडियो तक पहुंचे? देखिए, हम जितनी हम अपने दोस्तों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिल बहलाने के लिए, सबको अच्छा लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही तो क्या हमारा, जैसा हम मनोरंजन कराते हैं, हम मेहनत इतनी करते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अच्छा लिखे। अच्छा, कोई दो पंक्ति सहारा न्यूज 24 के दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? जी। माही वे मोहब्बता सचिया ने अंगदाना सीधा कुछ और है, ओ माही रे मोहब्बता सचिया ने अंगदाना सीधा कुछ और है, किस्मत दे मारे अज की करिए, किस्मत दे मारे अज की करिए, हाय किस्मत दे मारे ऐसे की करिए, किस्मत पे की।
और शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, भूरा ढोलक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम उनसे भी जानकर और उनके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी भूरक ढोलक जी, आप क्या बताना चाहेंगे? भूरक ढोलक सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। दोस्तों आज भाई साहब से मिले तो इन्होंने बहुत पुराने दिन याद दिला दिए, और वैसे भी मैं खड़खड़ी के स्टेशन पे हूँ और वाकई में मेरे बहुत पुराने दिन याद आ चुके। और मैं कई दफे इधर को निकल के भी गया हूँ, शामली, किराना, बागपत, दिल्ली। वैसे तो इस लेन पे मैं बहुत कम चला हूँ, ज़्यादातर चला हूँ मैं अपना लुधियाना, अमृतसर, अम्बाला, जलंधर, पंजाब। सुने तो, भूरे जी आपकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, आपका संघर्ष जो है वो ट्रेनों के जरिए उठा था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर थोड़ा शॉर्टकट में गलत ट्रेन आने वाली हो रही भाई, लेकिन खुशबू लगा के ट्रेन में चलता था, खुशबू लगा के, और सुपर में चलता था खुशबू लगा के, और बांद्रा में चलता था खुशबू लगा के, एक गाने सर मेरा वायरल था खुशबू लगा के, मेरे महबूब कयामत की सुनना चाहोगे? परफ्यूम ही लगा दो खुशबू लगा के जी, अब खुशबू लगा दो सारे खुशबू आ गए पूरे। ये सनम तुमने प्यारी किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों किया? My song, baby song, my Lord, my sound, DJ Max, yo yo, अरे सिंगर, पहला हंसिंग के दादा, अब बुरे बच्चन जी के दादा हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, माजी रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, और मेरी नजरें तो गिला करती है, मेरे दिल को भी सनम तुझे शिकायत होगी, और मेरे महबूब। और क्या है दोस्तों कि किस किस की नजरों को हम देखें, हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं। अरे किस किस की नजरों को हम देखें, हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं, और खुदा ने ऐसी तकदीर बनाई, घर घर के स्टेशन पे भी वीडियो बनाते रहते हैं। ये सर मेरा सॉन्ग था। अपने संघर्ष के दौरान कोई ऐसा मामला जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो उसके बारे में बताइए। बहुत मिले पर लेकिन कभी खुशबू लगा के कभी सोचा नहीं। सोचा तो ये होता कि दाल रोटी के पैसे हो जाते हैं, अपना गाँव बजा लेते हैं, अपना घर चले जाते हैं, और फिर मेरी जिंदगी में खुशबू लगा के आशू भाई आए थे। ये आशू भाई कहाँ चले गए? गए टिकट लेने, टिकट लेने, टिकट लेने। राहुल भाई भी आए भाई, उन्होंने बहुत हमारा ध्यान रखा, बहुत ही बेचारों ने उन्हें भी नाम दिया। अच्छा, जो आर्टिस्ट से अभी हमने बात की है सानिया जी से, उनकी बातों से एक हमें एक ऐसी झलक मिली है, शायद आप फरमानी नाज से आपका ग्रुप अलग हो चुका है, उसके अंदर कोई फाड़ पड़ चुकी है, क्या कारण रहा? क्या उनका अहंकार सफलता के बाद, या फिर कुछ और? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, देखो मेरा तो ये कहना है भाई भी अपनी जगह अच्छी है बेचारी, मतलब भगवान अल्लाह ताला उन्हें बहुत दें और उनके साथ साथ में हमें भी दें। और देखो मैं तो एक कलाकार हूँ, सीधी सी बात तो एक साजिंदा हूँ, एक जो गाने बजाने की जो लेन होती है ना, एक पिंजरा खाना होती है, एक आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है, ठीक है ना। और जो है मैंने पहले फरमानी को चलाया, फिर वंशिका थी, उसे मैंने गाने में सॉन्ग मिला बुल्ला कोड में, वो वायरल हो रही है, अब तीसरा नंबर आ रहा है सानिया जी का, और मुझे उम्मीद है सानिया जी पे बहुत सुर्खियों में आ रही है ये, अभी मेरे साथ में अयोध्या में भी गई थी, बहुत सुर्खियों में आई है वहाँ पर, और बहुत जल्दी में ये बहुत अच्छा नाम कमाने वाली है, सोशल मीडिया की फेमस बढ़िया हो रही है। और जो हमारे जो हैं आशु भाई हैं भाई, हमारा बहुत साथ देते हैं, हम चेहरे में भी थोड़ा सा इन्वेंट्री का स्टिक कर लेते हैं, और जो हमारे सिराज भाई हैं जो चैनल को संभालते हैं भाई, वो तो इनकी तो सबसे ज़्यादा मेहनत है भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत है। देखो हम तो गा बजा के कैमरे में से एक पर बैठ जाते हैं, पूरी पूरी रात वे जागे रहते हैं। तो देखो गाने वाले से बड़ा राइटर होता है लिखने वाला, और सीधी सी बात है मैं तो एक बात कहूँगा, गाने वाले का और साजिंदा का जो संगम होता है बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, खुशबू लगा के वो भी अभी हमने तो ठीक है, खुशबू लगा के फिर चलते हैं। वो भी लगा दे, तड़का लगा आओ आओ, अरे यार